ग्राफ के माध्यम से क्यू का ऑर्डर क्या मिला, जीरो, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा, के वन अपॉन के टू एन टू क्या हो जाएगा, 60। सॉल्व करें तो 0.3 बाई 1 और 60 किधर, ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी थियोरिटिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कितना मिला, सेकेंड ऑर्डर मिला। आरडीएस से पता करना है, मतलब इस रिएक्शन पर मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बताओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में टोटल 5 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पर नीट लेवल तक की न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कराया था। आज हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे की ओर मूव करेंगे और देखेंगे जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स और साथ साथ स्विडो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जेई एडवांस 2013 का क्या क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन पी प्लस क्यू रिएक्ट करके आर प्लस एस बनाता है, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ पी। कहने का ये मतलब है जो टी 75% है, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ 50%। ठीक है, आगे कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विथ रिएक्शन टाइम एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है ना, ये हमें बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ये किस ऑर्डर के बारे में बोल रहा है, जीरो ऑर्डर के बारे में बोल रहा है। बेटर जानकारी के लिए आप लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 को देख सकते हैं। इस ग्राफ पर हमने बताया था कि कौन सी ऑर्डर की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर की बात करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, यहां तो इस ग्राफ से ये पता चल गया क्यू का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और ये जो आपके पास है टी 75% इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ 50%, ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर से आपको पता चलेगा, है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर से है कि नहीं है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि T 75% फर्स्ट ऑर्डर पे क्या लिखोगे, 2.303 अपॉन K log बेस 10। अच्छा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मान लो और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रह जाएगा भाई, 75% कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना होगा, 25%, यानी 25% बचा होगा, ये 4 टाइम में आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो T 75% इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 2, भाई लॉग 4 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू लॉग 2 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, T 50% के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2.303 अपॉन K इंटू लॉग बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 और कंप्लीट कितना हो गया 50%, तो बचा कितना होगा 50%, यानी ये हो गया 50। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। अब देखना जरा ध्यान से, लॉग 2 और लॉग 2 कटेगा, ये और ये कटेगा, रिजल्ट क्या बचा, T 75 अपॉन T 50 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर T 75% इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ 50%। तो आप देख सकते हैं ये किसके बारे में बोला, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बोला। इसका मतलब जो P का ऑर्डर था वो कितना था, 1, और ग्राफ के माध्यम से Q का ऑर्डर क्या मिला, 0, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू P के पावर 1 एंड Q के पावर क्या हो गया, 0। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 प्लस 0, ये पावर वाला जुड़ेगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बोलेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसको देखो, उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एम से एन, एम रिएक्टेंट है और इससे क्या बना है, एन बना है, यहाँ पे M छूट गया है आपका।
द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। अच्छा यहां पे इनिशियल रेट अगर मैं बोलूं तो आप क्या लिखते हो, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या है एम, इसका ऑर्डर पता करना है तो इसको एक्स मान लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता करना है। अच्छा आर टू, जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया, डबलिंग यानी कि 2m के पावर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी कि r1 by r2 is equal to क्या होगा, k by k into m के पावर x divide by 2m के पावर x, k से k कटेगा, m से m कटेगा, यानी 1 by 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m increases by a factor of 8। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो तो डिसअपीयरेंस ऑफ m भाई लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 8 इंटू माइनस डी एम अपॉन क्या होगा डी टू, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8, मतलब इससे कितना गुना होगा, 8 टाइम होगा, है ना। अब इसको पुट करें, r1 की जगह पर रखो माइनस डी एम अपॉन डी टी डिवाइड बाई, r2 की जगह पे लिखेंगे 8 इंटू माइनस डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 के पावर क्या हो गया, x हो गया, देख सकते हैं ये और ये कट जाएगा आपके पास, क्या बचा 1 अपॉन 8 इक्वल टू 1 बाई 2 के पावर x। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 बाई 2 के पावर q, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1 बाई 2 के पावर x, यानी x के जगह पे 3 आ गया, therefore x बराबर क्या मिलेगा, यानी किस ऑर्डर की बात कर रहा है ये, थर्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर b आपका सही है। कर सकते हैं, इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए से बना बी एंड बी से बना सी, ए से बी बनने के लिए रेट कांस्टेंट है K1 और बी से सी बनने के लिए रेट कांस्टेंट क्या है K2, मतलब रिएक्शन ऐसा है ए से बना बी रेट कांस्टेंट है K1 और बी से बना सी रेट कांस्टेंट है K2, यानी आप इस बी को नोटिस करोगे तो बी यहां पे बन भी रहा है और बी यहां पे टूट भी रहा है, मतलब दोनों चीजें हो रही है, यानी ये कैसा बिहेव कर रहा है, इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है, कैसा, इंटरमीडिएट की तरह, कि सर ए से बी बना और बी से क्या बना सी, मतलब बी बन भी रहा है और बी टूट भी रहा है, बन कब रहा है जब ए से बी के बारे में सोचते हैं और टूट कब रहा है जब बी से सी के बारे में सोचते हैं। आप इसी रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ए से बना बी इसके लिए रेट कांस्टेंट हो गया K1 और बी से बना सी इसके लिए रेट कांस्टेंट हो गया K2। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कहने का मतलब डीबी बाई डीटी इज सेट टू बी जीरो, यानी कि इसको जीरो लेके चलना है, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज गिवेन बाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आप इसका रेट कैसे लिख सकते हैं, देखो तो रेट लॉ का इस्तेमाल करो, पहले इस वाले के बारे में, दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले के बारे में हो गई भाई, ए बी बन रहा था आपका तो इसका हमने रेट लॉ लिख दिया, और बी टूट भी रहा है, बी टूट भी रहा है तो यहां पर लगाएंगे माइनस के टू इंटू क्या होगा बी, क्यों ऐसा किया, क्योंकि सर बी आपका इंटरमीडिएट है, ये बन रहा था तो हमने यहां से पुट किया, बी टूट रहा था तो माइनस के साथ लेके चला, ठीक है। अब आर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो फॉर्मेशन वाला में दैट इज डी बी बाई क्या लिख सकते हैं डी टी, फॉर्मेशन वाला में, ठीक है, इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस के टू इंटू क्या होगा, इसको क्या लेके चलना है, जीरो इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस के टू इंटू क्या होगा बी हो जाएगा, देयरफॉर के वन इंटू ए
इज इक्वल टू क्या होगा, के टू इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा, के वन अपॉन के टू इंटू क्या हो जाएगा, देख लो ये ऑप्शन कहां पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए कर सकते हो। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको जरा कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी इससे बनता है प्रोडक्ट, 2a प्लस बी इससे क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ वेयर डबल, जब ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है, देन रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.3 मोल पर लीटर सेकेंड टू 2.4 मोल पर लीटर सेकेंड, यानी इनिशियल रेट कितना है ये, R इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर x बोल लो और b के पावर y बोल लो, इनिशियल पहले मान, तो 0.3 इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर x एंड b के पावर क्या हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर। अच्छा a और b दोनों को डबल किए तो इसका रेट कितना बढ़ जा रहा है, 2.4 तक पहुंच जा रहा है, यानी 2.4 इज इक्वल टू के a को भी आप डबल कर लो और b को भी डबल कर लो, ये ऐसा हो जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अलोन इज डबल, a को अकेला डबल किया जाता है और b को छेड़छाड़ नहीं करना, द रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.3 टू 0.6 मोल पर लीटर सेकेंड, यानी जब सिर्फ a को डबल किया गया, यानी सिर्फ a को डबल किया गया तो इसका रेट कुछ ऐसा दिखाई दिया, सिर्फ a को डबल करने से रेट कितना पहुंच जा रहा है, 0.6, इसको मान ली इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां पे ऑर्डर के बारे में दिख रहा है ऑप्शन पर, आप एक काम करो इसको सॉल्व करो, कैसे करते हैं, आप क्या करो कि फर्स्ट को थर्ड के साथ डिवाइड करो, तो 0.3 बाई 0.6 इक्वल टू के इंटू ए के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई, यहां पे होगा के इंटू 2a के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई, ये और ये तो आपका कट जाएगा, के से के आपका कटेगा, इससे 2 टाइम में चले जाएंगे, क्या मिला 1/2 इज इक्वल टू ए से ए भी जाएगा, तो 1/2 के पावर क्या हो गया x, यानी x के जगह पर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अच्छा x के जगह पे 1 कहने का मतलब क्या है कि a का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो 1 है, a का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1, x को यहां पुट कर दो आप। अब y भी जरा देख लो आप, इस बार थर्ड को आप सेकेंड के साथ डिवाइड कर लो, थर्ड क्या है 0.6 बाई 2.4 इज इक्वल टू के इंटू 2a के पावर x इंटू बी के पावर y डिवाइड बाई k इंटू 2a के पावर x इंटू 2b के पावर y, ये और ये कट जाएगा, इससे कितना टाइम में 4 टाइम में चले जाएंगे, b से b भी कैंसिल आउट, यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/2 के पावर y। अच्छा 1/4 को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के पावर, यानी कि y बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब y किसका ऑर्डर बोला था, b का, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि b का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, सेकेंड होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b इज 2, b का ऑर्डर कितना मिल चुका है 2, ये बात तो सही है आपका। आगे बढ़िए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a इज 2, a का ऑर्डर कितना मिला है 1, ये बात तो सही नहीं है। आगे बढ़िए, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4, नहीं टोटल कितना होगा 2 यहां पे 1 यहां पे, 3 ऑर्डर हो जाएगा ना, यानी ये भी नहीं। आगे बढ़िए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b इज 1, तो b का ऑर्डर कितना है 2, ये तो सही नहीं है आपको, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर a आपका सही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जेई 2019 का ही क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट्स अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। एक्स जो है इससे मान लो कि प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट के कितना दिया गया है, 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। अच्छा, माइक्रोग्राम पर ईयर किसका यूनिट होता है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किसका यूनिट होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। यानी इनिशियल टाइम पर ये कितना है, 5 माइक्रोग्राम है, और टी टाइम पर कितना है, 2.5 माइक्रोग्राम। अब आपको क्या पता करना है, टाइम पता करना है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बोल रहा है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर आप टी बराबर क्या जानते हो, ए माइनस एक्स बाई के पढ़ चुके हैं हम लोग, दैट इज टी इज इक्वल टू ए कितना है 5 माइक्रोग्राम माइनस 5 माइक्रोग्राम और एक्स कितना है, एक्स कितना हो जाएगा यहां पे 2.5 माइक्रोग्राम। या फिर आप इसको डायड भी ऐसा कर सकते हैं, आपको ये मैं पहले भी बता रखा हूं कि ये वाला a होता है और ये क्या होता है, a माइनस एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट कर दो यहां पे 2.5 माइक्रोग्राम, और k कितना दिया गया देखो तो 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। सॉल्व कर ले जरा इसको, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2.5 डिवाइड बाय 0.05। ये पॉइंट हटेगा ऊपर 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कितना 5 टाइम में, एंड 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा 50, यानी 50 ईयर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कर सकते हो, इसको जरा आप कॉपी करो। चले बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जेई 2019 का ही क्वेश्चन है कि द रिएक्शन 2x इससे बनता है प्रोडक्ट, 2x से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किस ऑर्डर की बात कर रहा है, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.2 मोलर द हाफ लाइफ इज 6 आवर। देखो यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब आप 0.2 मोलर सोचते हैं तो उस वक्त जो इसका हाफ लाइफ पीरियड होगा वो कितना होगा, 6 आवर। ये क्वेश्चन में कह रहा है, आगे कह रहा है, व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.5 मोलर, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीचेस इट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर विल बी, किस टाइम इंटरवल पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर हो जाएगी। आप एक काम करो, यहां से आप के को फाइंड आउट करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर होगा, a अपॉन 2k के बराबर होगा, कि मैं पढ़ा चुका हूं। यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.2 है डिवाइड बाय 2, और k आपको पता करना है, और टाइम हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 6 है। तो 6 इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 2 इनटू k, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा नीचे आ गया 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, देयरफॉर k बराबर क्या मिलेगा, 1/60 मिल जाएगा। अब यहां पे हाफ लाइफ पीरियड का टी वाला वैल्यू पुट करो, तो ए माइनस एक्स बाई क्या होता है, के होता है। आपको पता है ये ए है और ये क्या है, ए माइनस एक्स, ठीक है। ए कितना है आपके पास, 0.5, और ए माइनस एक्स कितना है, तो 0.2 डिवाइड बाई के कितना मिल चुका है, 1/60। सॉल्व करें तो 0.3 बाई 1 और 60 किधर, ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आवर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिख रहा है, कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको जरा कॉपी करो। आगे कुछ और क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चले बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करें। तो एक और क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, आपके पास ये रिएक्शन है, द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज, आपको एक्सप्रेशन dA/dt के फॉर्म में पता करना है।
आपके पास रिएक्शन क्या गिवन है, ए टू रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन, के वन ऊपर में है और के माइनस वन नीचे में, ये आपके पास रिएक्शन दिया गया, ठीक है। तो अगर इसका रेट लिखना चाहो तो क्या लिखते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं आप, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बाई डी टी। अब रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए, और यहां पे क्या होगा, प्लस वन बाई टू डी ए अपॉन क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, कर सकते हो। इसके फॉर्मेट में आपको पता करना है। नाउ अब रेट इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है प्लस वन बाई टू डी ए अपॉन क्या होगा, डी टी। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं रेट लॉ का इस्तेमाल करके। पहले आप फॉरवर्ड की बात करो तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये हो जाएगा, यानी के वन इंटू क्या होगा, ए टू हो जाएगा, माइनस बैकवर्ड पर सोचो तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये हो जाएगा, दैट इज के माइनस वन ए का क्या होगा, ए स्क्वायर। स्टोइकोमेट्रिक पावर में चले जाते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन ए टू माइनस के माइनस वन ए का हो जाएगा स्क्वायर, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफोर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू टू के वन ए टू माइनस टू के माइनस वन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देख लो जरा, 2k1 a2 minus 2k minus 1a का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन, कर सकते हो, बहुत आसान सा है। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा है, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। इसको जरा आप कॉपी कर लो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, तो एक और क्वेश्चन है जेई मेंस 2016 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ब्रेक हो रहा है, कैसे रिएक्शन होते ये वाला फर्स्ट ऑर्डर पर, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। ये सब मैं आपको एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पे पढ़ा दिया हूं। आगे कह रहे हैं, इन 50 मिनट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125 मोलर इन वन सच डिकम्पोजिशन, टाइम इक्वल टू जीरो पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी गई थी, 0.5, और टाइम टी पर ये कहां पे पहुंच गया, 0.125 पे पहुंच गया, ठीक है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 मोलर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी, कैसे सॉल्व करोगे इसको, पहले यहां से K को फाइंड आउट करो, K बराबर जानते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 इनटू A अपॉन क्या होगा, A माइनस एक्स होगा। आपको पता है ये A है और ये क्या है, A माइनस एक्स, तो 2.303 अपॉन टी, टी आपके पास कितना है क्वेश्चन पर देखो तो 50 मिनट log बेस 10, a हो गया आपके पास 0.5 और a माइनस एक्स हो गया 0.125, इससे कितना टाइम में चला जाएगा, 4 टाइम में चले जाएंगे। देयरफॉर k बराबर क्या मिलेगा, तो 2.303 अपॉन 50 log बेस 10 इंटू 4, log 4 का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो 2.303 अपॉन 50 इंटू 2 इंटू 0.301, इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.0277 मिनट इनवर्स। ये तो के का वैल्यू मिल गया हमें कि के इस पर कितना मिलेगा। अब अगर मैं एक्सप्रेशन में बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे इस रिएक्शन का, माइनस वन बाई टू डी एच टू ओ टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डी एच टू ओ अपॉन क्या होगा, डी टी इज इक्वल टू प्लस डी ओ टू अपॉन क्या होगा, डी टी। इसके रिस्पेक्ट में हमें पता करना है ना, डी ओ टू बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, देख लो क्वेश्चन में ऑप्शन बोला भी गया है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखो रेट लॉ के फॉर्म में तो क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू K इंटू क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, इसको सिंपल एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, क्या लिख सकते हैं, देखो तो प्लस DO2 बाई DT इज इक्वल टू माइनस 1/2 DH2O2 बाई क्या होगा, DT होगा भाई, इन दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने। अब माइनस DH2O2 बाई DT को क्या लिख सकते हैं, KH2O2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 KH2O2 आप इसको लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे इसके जगह पे KH2O2 लिख सकते हैं, तो माइनस DH2O2 अपॉन DT के जगह पे KH2O2 लिख दिया, तो 1/2 K का वैल्यू कितना मिला है, 0.0277 है ना, और कॉन्सेंट्रेशन कितना करना है आपको, 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो 6.93 इंटू 10^-4 मोल पर मिनट आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए आपको सही दिखेगा। आई थिंक हमने कैसे इसको सॉल्व किया है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाने लायक क्वेश्चन था, तो आप घूमे नहीं होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चले बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है स्विडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखो स्विडो का मतलब होता है फॉल्स, स्विडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। अब फॉल्स कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसके ऑर्डर थ्योरेटिकल तौर पे देखने पे कुछ और मिलेगा और एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखने पे कुछ और मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं यहां पे, जैसे मैं कंसीडर करूं C12H22O11, इसमें हमने वाटर ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोस, और एक बनता है C6H12O6 दैट इज फ्रुक्टोस। दिस इज इन्वर्सन ऑफ सुगर, ये आप जानते हैं। अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट कैसे लिखोगे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुगर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर, ये मैं थ्योरेटिकल लिख रहा हूं, थ्योरेटिकल ऑर्डर है ना, इसका पावर हो गया 1, इसका पावर हो गया 1, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना मिला, 2 मिल गया आपके पास, 1 1 2 हो गया, यानी सेकेंड ऑर्डर से बिलोंग करेगा। बट अगर आप एक्चुअल में अगर आप देखते हैं तो R बराबर सिर्फ हमें C12H22O11 दिखता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ कितना मिलता है, तो 1 मिलता है। एक्सपेरिमेंट तौर पे इसका ऑर्डर कुछ और है और थ्योरेटिकल तौर पे इसका ऑर्डर कुछ और है, तो एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो थ्योरेटिकली अलग हो और एक्चुअल में अलग हो, इस टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्विडो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल एक एग्जांपल और ले लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर भी इसी कैटेगरी पर आएगा, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, दिस इज एस्टर, इसमें हमने वाटर मिला दिया, प्रोडक्ट जो बना दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोजैलिक एसिड, एंड दूसरा बना आपके पास एल्कोहल, और इसका अगर आप थ्योरेटिकल ऑर्डर देखें तो रेट बराबर क्या लिखोगे, के इंटू ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, यानी आर सी ओ ओ आर पहला रिएक्टेंट और ये हो गया आपका दूसरा रिएक्टेंट, इसका पावर वन, यानी थ्योरेटिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कितना मिला, सेकेंड ऑर्डर मिला। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल ऑर्डर बोल रहे हैं,
एक्चुअल ऑर्डर। तो एक्चुअल ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, R इज इक्वल टू के इन टू आर सी डबल ओ और R, यानी एक्चुअल ऑर्डर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहां भी आप देखें तो थियोरिटिकल ऑर्डर कुछ और है और एक्चुअल ऑर्डर कुछ और। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम टर्म क्या देते हैं, स्विडो ऑर्डर रिएक्शन टर्म देते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि थियोरिटिकल अलग मिला और एक्चुअल अलग मिला। अगर आप यहां पे बारीकी से देखें तो यहां एक्चुअल में वाटर कंसीडर नहीं हुआ है, जबकि थियोरिटिकल में आपने ऑर्डर में वाटर कंसीडर किया था, है ना। यहां भी आप नोटिस करें, थियोरिटिकल में हमने वाटर कंसीडर किया था लेकिन एक्चुअल में आपने ऑर्डर कंसीडर नहीं किया है। अब ऐसा कब होता है, देखो जब भी इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं ना तो वाटर को एक्सेस माना जाता है। क्या माना जाता है, एक्सेस। और एक्सेस होने की वजह से ये इसका कॉन्सेंट्रेशन रेट में कंसीडर नहीं होता है। उसी तरीके से यहां पे भी वाटर आप क्या मान के चलते हैं, एक्सेस मान के चलते हैं। एक्सेस होने की वजह से एक्चुअल में इसका कॉन्सेंट्रेशन रेट को बदल नहीं पाता। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्विडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही है जहां पे थ्योरिटिकल अलग मिलते हो और एक्चुअल अलग मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी एक रिएक्टेंट को आप एक्सेस बना लेते हैं जिस वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेट में कंसिडर नहीं होता है, है ना। तो स्विडो ऑर्डर रिएक्शन को जरा हम लोग डिफाइन कर ले, क्या है, द रिएक्शन हुज एक्चुअल रेट या फिर एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरिटिकल थ्योरिटिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज स्विडो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो समझ में आ गया कि स्विडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। और स्विडो ऑर्डर रिएक्शन में एक्चुअल रेट थ्योरिटिकल रेट अलग क्यों होते हैं, क्योंकि किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस बना दिया जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेट को बदल नहीं पाते हैं। आप लिख सकते हैं इट विल हैपन व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर एज इन लार्ज और एक्सेस एंड रेट डज नॉट चेंज एंड रेट डज नॉट चेंज विथ इट्स कॉन्सेंट्रेशन विथ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखा मैंने, इट विल हैपन व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर एज इन लार्ज और एक्सेस एंड रेट डज नॉट चेंज विथ इट्स कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, है ना। ये मैंने क्या लिखा कि अगर आप किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस या लार्ज मान लेते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेट को बदल नहीं पाता है, इसलिए एक्चुअल में यहां वाटर कंसिडर नहीं हुआ। यहां भी एक्चुअल में वाटर कंसिडर नहीं हुआ क्योंकि वाटर आपने यहां भी एक्सेस लिया हुआ है और यहां भी एक्सेस लिया हुआ है, तो वाटर कभी भी रेट को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चले बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, तो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो रिएक्शन जो है ना आमतौर पे या तो वो एलिमेंट्री हो सकता है या वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है इसके बारे में बात करें, उससे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं एक चीज। रिएक्शन जो है ना हम लोग दो तरीके के सोच रहे हैं यहां पर, एक सोच रहे हैं एलिमेंट्री टाइप रिएक्शन
और एक सोच रहे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में समझते हैं। देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, तो वैसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसको कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन टू सिंगल स्टेप ओनली कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज दैट कि 2a+b ये एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना दिया। अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप, तो वैसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन नाम दिया जाता है। अब सुनना जरा ध्यान से, एलिमेंट्री रिएक्शन पर रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसी मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, ये आपके पास रिएक्शन है, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, तो 2a का मॉलिक्यूल है और 1b का मॉलिक्यूल है, टोटल 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हो गया, तो आप इसको ट्राई मॉलिक्यूलर बोलो, या फिर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, आपका 3 रहेगा। सिमिलरली अगर मान लो कुछ एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ए है बी है और ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बना दिया आपका, है ना, तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, 2 मॉलिक्यूल, एक ए वाला और एक बी वाला, मतलब आप इसको बाई मॉलिक्यूलर कह सकते हैं, बाई मतलब 2, या फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप डायरेक्ट कितना दिखा सकते हैं, 2 दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये मॉलिक्यूलरिटी हमने किसके लिए बात किया हुआ है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात किया हुआ है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा, वैसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं और इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमने बताया एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो आप कह सकते हैं यहां से द रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इनटू मोर देन वन स्टेप्स कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सोचे, डिकम्पोजिशन ऑफ
डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। टू मॉलिक्यूल ऑफ N2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, डिकम्पोज किया, बनाया ट्वाइस द मॉलिक्यूल ऑफ N2 एंड O। ये रिएक्शन जरूर से आपको एक सिंगल स्टेप के तरह लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये एक से ज्यादा स्टेप पर हो रहा है। ये दिख जरूर रहा है एक स्टेप पर, लेकिन एक से ज्यादा स्टेप पर ये रिएक्शन वर्क करते हैं। अब एक एक स्टेप को स्टडी करते हुए आप किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। जैसे अगर मैं यहां पे पॉइंट लिखूं, द स्टेप वाइज, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को आप एक एक स्टेप पर दें, एक स्टेप में ये बना, दूसरे स्टेप में ये बना, तीसरे स्टेप में ये बना, चौथे स्टेप में ये बना, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी रिएक्शन की स्टडी करते हो ना, तो उसे हम लोग टर्म देते हैं मैकेनिज्म। क्या नाम देते हैं? मैकेनिज्म। ठीक। अब एक पॉइंट और जरा मैं यहां पे बोलूं, जैसे आप मैकेनिज्म बोल रहे हैं तो एक से ज्यादा स्टेप के बारे में बोल रहे हैं। मान लो कि कोई रिएक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट हुआ या चार स्टेप में कंप्लीट हुआ, मान लो चार स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो चारों स्टेप में हम लोग का कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो बहुत स्लो स्लो वर्क कर रहे होंगे और कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो फास्ट फास्ट वर्क कर रहे होंगे। मतलब जितने भी स्टेप्स हैं आपके मैकेनिज्म के अंदर में, हो सकता है उनमें से कोई स्टेप आपका स्लो हो और ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई स्टेप आपका क्या हो, फास्ट हो। तो मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख रहा हूं, इन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, सम स्टेप्स आर स्लो एंड सम स्टेप्स आर फास्ट। कुछ स्टेप्स स्लो हो सकते हैं और कुछ स्टेप्स क्या हो सकते हैं? फास्ट हो सकते हैं। लेकिन जो स्लो स्टेप होगा, जो आपका स्लो स्टेप होगा, उससे आप रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट को निकाल सकते हैं कहां से? स्लो स्टेप से। तो हम लोग स्लो स्टेप को नाम देते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर RDS, है ना। एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं यहां से, द स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे? RDS बोलेंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो एग्जांपल था ना, इसी का मैकेनिज्म करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है, मान लो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, डिकम्पोज किए तो बना ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ N2 और साथ में बना O2। अब अगर आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इसकी मैकेनिज्म दो स्टेप में वर्क करेगी। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल नाइट्रस ऑक्साइड ये डिकम्पोज करेगा, मतलब N2O ये कन्वर्ट होगा N2 प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, है ना। ये जो स्टेप है आपका स्लो स्टेप है। स्टेप नंबर टू पर क्या होगा? एक मॉलिक्यूल आपका डिकम्पोज कर गया, बचा कितना है? एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल N2O अभी बचा हुआ है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा और बना देगा N2 और साथ में बना देगा O2। ये जो स्टेप है ये है आपका फास्ट, और नेट रिजल्ट अगर आप देखोगे ना तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा, रिजल्ट बनेगा ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ N2O, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ N2 और साथ में O2। तो आपको सिर्फ ये दिख रहा था, स्टेप तो नहीं दिख रहे थे। तो अगर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन की स्टडी करते हो
तो उसको नाम क्या देते हैं, मैकेनिज्म। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और मैकेनिज्म में कोई स्टेप स्लो हो सकता है या कोई स्टेप फास्ट भी हो सकता है, और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे धीरे धीरे वाले जो स्टेप होंगे, उससे आप रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे हम लोग आरडीएस भी कहते हैं। यानी आरडीएस यहाँ पे कौन सा स्टेप है, तो पहला वाला स्टेप है स्लो स्टेप, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आरडीएस बोल रहे हैं। अब ध्यान से एक बात और सुन लेना, अब इसमें मॉलिकुलरिटी कैसे पता करोगे, तो ये जो आरडीएस का स्टेप है ना, स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी होगा। अब डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी नहीं चेक करना, क्योंकि डायरेक्ट चेक करोगे तो ये तो 2 मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी वो कहां पे मिलेगा, स्लो स्टेप पर। स्लो स्टेप पर जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहां पे एक पॉइंट और मैं इंसर्ट कर रहा हूं, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉल्ड एज मॉलिकुलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी कहां से पता करना है, स्लो स्टेप से पता करना है, आरडीएस से पता करना है। मतलब इस रिएक्शन पर मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बताओ, स्लो स्टेप पे एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दैट मींस ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा, या फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, कितनी रहेगी, 1। तो ध्यान से सुन लेना, एलिमेंट्री रिएक्शन पे मॉलिक्यूलरिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हमेशा कहां से पता चलेगा, आरडीएस वाले स्टेप से पता चलेगा या स्लोएस्ट स्टेप से पता चलेगा। ठीक है, जैसे इस वाले में स्लो स्टेप में रिएक्टेंट का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, तो यूनिमॉलिक्यूलर हमने नाम दिया, या इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रही, 1 रही। इसको जरा आप कॉपी करो, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चले बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक तरफ आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सोचो और दूसरी तरफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन सोचो। क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो और मॉलिक्यूलरिटी आज आपने पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये था हमारे पास। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है, हॉल नंबर में भी पॉसिबल, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ हॉल नंबर में ही लिखा जाता है, फ्रैक्शनल में लिखा नहीं जाता है। एक पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल और इन हॉल नंबर,
ये होल नंबर में भी लिखा जा सकता है और फ्रैक्शनल में भी लिखा जा सकता है, जबकि मॉलिकुलरिटी सिर्फ किस में होगा तो होल नंबर में लिखा जाएगा। तो यहां पे लिख दो मॉलिकुलरिटी ऑलवेज इन होल, ये आपका हमेशा होल नंबर में ही लिखा जाएगा। और क्या डिफरेंस हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो पॉसिबल है, लेकिन मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन ये कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं होता। यहां पे लिख सकते हैं इट मे बी जीरो, और ये क्या है, इट मे नॉट बी जीरो। ये कभी भी आपका जीरो वैल्यू को स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद और क्या डिफरेंस है? देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग निकालोगे, जबकि मॉलिकुलरिटी आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर निकालोगे। जैसे हमने अभी रिएक्शन को देख करके बताया कि इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, लेकिन वहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से होता है ना। ये आप लिख सकते हैं इट इज डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंट, जबकि ये क्या होगा, इट इज डिटरमाइंड बाई थ्योरेटिकल। आप इसको थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग सोचो। और क्या डिफरेंस ले सकते हैं हम लोग? इट मे बी अफेक्टेड बाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। इनमें चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, जबकि ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। इट मे नॉट बी अफेक्टेड बाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। चार ऑप्शन देकर के आपसे कोई सा भी पूछ सकता है कि इनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा सही है या कौन सा आपका गलत है। ठीक है, या फिर मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको जब आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर जो है हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए नहीं, जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। बच्चों, इस लेक्चर को जल्दी से आप कवर कर लेना, इसके बाद जो है हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी